जय श्री महाकाल राजा धीराज की जाओ बिल्कुल सीताफल काजू केवड़ा पान गुलाब फुलकर जामुन आइए फालू का मजा आएगा और अच्छा लगा तो आपका खराब मेरा क्या बात है भाई। मुझे मेरे ग्राहकों पे भरोसा है, उन पे विश्वास है। मैं मेरे माल का खराब पैसा उनसे लेता हूँ तो उनको उसी हिसाब की क्वालिटी देता हूँ तो वो खुश होकर जाते हैं। अभी हम हैं इंदौर की फूड टूर पे और आज हम आपको मिलवाने वाले इंदौर के गोल्ड मैन से। सो जी आपका शुभ नाम? नेमा, नेमा करते इंदौर एमपी। क्या बात है। सो आपका ये जो कार्ड है वो कितने साल से? ये मेरा शॉप है 65 साल से। 65 साल से महाकाल की जमा है, सावरिया सोने का आशीर्वाद है। तो आप इतना गोल्ड पहनते हो तो आपको डर नहीं लगता? इससे डरना बाबा, महाकाल से डरो गलत काम करने से, बस बाकी महाकाल से संभालेगा। क्या बात है भाई, सही है सही है। ये बात आपने बता की बताई और सोशल मीडिया में बता दे कि आप 10 किलो सोना पहनते हो, कोई बोलता है 20 किलो। जितना बोलते मतलब मेरे पास तो जो है, मतलब मैं आपके, मतलब मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ आप कितना पहनते हो। मेरा थोड़ी है, महाकाल की कृपा है बस। सही है मेरे पास तो ये शरीर मेरा नहीं है, ये भी उसकी दुआ का है। क्या बात है भाई। और यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती है? मेरे पास मिलता है कुल्फी, रबड़ी, फालूदा। फालूदा में 18 फ्लेवर है, केसर, मिल्को, सीताफल, काजू केवड़ा, पान, गुलाब, फुलकर, जामुन। जो सीजनेबल फल आएगा उसका नेचुरल टेस्ट आप एकदम नेचुरली मिलेगा यहाँ पे, नेचुरल मिलेगा। यहाँ मिक्स और मिलावट तो होती है, मेरी पहचान नहीं है, पूर्वजों की पहचान है। मैं तो तीसरी पीढ़ी खड़ा हूँ। क्या बात, आप मतलब कि आप थर्ड जनरेशन हो? मैं तीसरी पीढ़ी खड़ा हूँ। दादाजी लाए थे, पिताजी के साथ आए थे, छोटा बच्चे भी इसी लाइन पे। सही है। अभी आपके जो बच्चे वो भी इसी लाइन पे, इसी लाइन में। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा फाउंडर चलता है? केसर पिस्ता का रेगुलर शाही फाउंडर। क्या बात है। तो वो आप लगा दो एकदम हमारे लिए बढ़िया सा, ठीक है? मजा आएगा और अच्छा लगा तो आपका खराब मेरा। क्या बात है भाई, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। फालूदा इसमें ये आइस लगे ऊपर से, आइस आइस क्रश। अच्छा भाई, यहाँ पे फालूदा में कितने फ्लेवर हैं? अभी आप कौन सी बना रहे हो? रेगुलर केसर पिस्ता। इसके प्राइस क्या रहती है? 100 रुपीज़ की मिलती है जी। मटका गोभी, केसर पिस्ता। ये वेनिला आइसक्रीम है। ओके, ये वेनिला आइसक्रीम ऊपर से। ये कौन सा फ्लेवर है? खसखस रहता है रोज का, और ये रोज। क्या नज़ारा दिख रहा है दोस्तों, एकदम बढ़िया। हमने यहाँ से केसर पिस्ता फाउंड ऑर्डर किया है जिसके प्राइस है 100 रुपये। 100 रुपये में हमें इसमें क्वान्टिटी मिलती है, वो टू मच है भाई साहब, टू मच है। मतलब कि दो तरह के तो आइसक्रीम है, एक है केसर पिस्ता कुल्फी, साथ में वनीला आइसक्रीम, रबड़ी है, सेब है, कई चीज़ें इसमें डल गई है। मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूँ, ये जो फाउंडर वो पीने का, खाने का है। धीरे धीरे मैं खाना शुरू करता हूँ, उसके बाद अगर ये फाउंडर मेल्ट हो जाएगा बाद में पी भी लगे। बोल दोस्तों, इसका जो टेस्ट है वाकई में मजेदार है। एक ही स्पून में कई डिफरेंट तरीके के टेस्ट मिल रहे हैं, मतलब कि रबड़ी का टेस्ट मिल रहा है, रोज का फ्लेवर मिल रहा है, केसर पिस्ता की गुल्फी डली गई है उसका टेस्ट मिल रहा है, साथ में वनीला आइसक्रीम है तो उसका टेस्ट भी मिल रहा है। मतलब कि 100 रुपये की एक प्लेट है, टेस्ट इसमें जो मिल रहा है वो अनगिनत है, अनगिनत है। मजा आ गया भाई, थैंक यू सर। आपको गोल्ड के साथ साथ ये स्प्रे वगैरह का भी शौक है? मेरा शौक नहीं है, प्रभु जो करा रहा है वो आनंद दे रहा है। क्या बात है, शौक तो बहुत कुछ है पर वो जो शौक का आनंद देता वही शौक का आनंद लेता हूँ। और आपने यहाँ पे फोटो लगाया तो यहाँ पे क्या मिनिस्टर आए हुए थे यहाँ पे? हमारे चीफ मिनिस्टर एमपी के, और एमपी के चीफ मिनिस्टर आए थे यहाँ पे। ये हमारी शहर की प्रथम नागरिक महापौर मालिनी जी गौड़, जो अभी फिलहाल में 4 बार की विधायक है। क्या बात है। तो उन्होंने यहाँ पे कौन सा फाउंड दिखाया था? शाही फालूदा खाया था, केसर पिस्ता, मतलब शाही लोग का शाही फालूदा। कृपा है,
कुछ कहते थे मिक्स है तो उनकी निगाहों में मिक्सपन होगा। मुझे मेरे ग्राहकों पे भरोसा है, उन पे विश्वास है, मैं मेरे माल का खराब पैसा उनसे अगर लेता हूँ तो उनको उसी हिसाब की क्वालिटी देता हूँ, तो वो खुश होकर जाता है, वही मेरे लिए अच्छी चीज है। केसर मैंगो सीताफल जामुन का आपको नेचुरल कुल्फी खिला दूँ, ठीक लगा बड़ा टेस्ट अच्छा लगा। दोस्तों आप यहाँ की भीड़ देख के गेस कर सकते हो, ये जो गोल्डमैन वाले अंकल है उसका जो फाउंडर है वो यहाँ के लोगों को कितना ज्यादा पसंद आता होगा। जय श्री महाकाल, राजा धीराज की जाओ। अभी सावन में होने के मतलब क्या है कि आनंद देखे, अब गणपति जी के उनके पुत्र की और मतलब क्या है कि अग्रसर हो रहे हैं, गजानन गणपति पधार रहे हैं, फिर माता जी पधार रहे हैं, तो ये तो शिव परिवार अभी पूरा अब आनंद देगा। ओके भाई, थैंक यू, मजा आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर, आइएगा।